हेलो फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं छोटा सा ब्लॉग रहेगा, तो जो मैं आज आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी, पत्यूर, उसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में पत्यूर। और ये इस पत्ती से बनता है, पत्यूर के पत्तियों से, जो मैं लाई थी चाची के घर से। तो पत्यूर रेसिपी कैसे बनाते हैं, नाम तो आपने सुना होगा, पत्यूर भी कहते हैं, पतौड़े, मतलब कुछ भी कह सकते हैं इसको, कैसे भी बना के खा सकते हैं, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगी। इसको बोलते हैं पापड़ की पत्तियाँ, हमारे हम इसको बोलते हैं पापड़ की पत्तियाँ, लेकिन यहाँ वाले बाहर वाले बोलते हैं, जैसे कोई गडेरी भी बोलते हैं, और उसके पत्ते भी ऐसे होते हैं, अरबी बोलते हैं, उसके पत्ते भी सेम लगभग यही होते हैं, तो हम बोलते हैं इसको पापड़ के पत्ते। तो आइए मैं पत्यूर बनाना स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती रहूँगी, आप फॉलो कीजिए कैसे बनाते हैं, और इस जो रेसिपी बनाऊंगी, जो पतूरे हैं उसका लुत्फ़ तो उठाइए, बनाना सीखिए। तो आइए बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये ले लिया एक कटोरी आटा और एक कटोरी बेसन, दोनों मिक्स करके बना रही हूँ मैं। इसमें आप बेसन ही बेसन में भी बना सकते हैं, और आटे आटे में भी बना सकते हैं। और इसमें से ये है हरा नमक, दोंगचू बोलेंगे इसको, तो जैसे जिसको बोलते हैं ना पहाड़ी में लून, तो वो यही है लून, लहसुन और हरी मिर्च, तो उसको पीस रखा है मैंने नमक डाल के, तो नमक बना लिया है। तो थोड़ा सा इसको इसमें ऐड करूँगी, और पानी से इसका एक बैटर बना लूँगी, पानी से इसको बैटर बना लेंगे थोड़ा सा। मैंने बैटर बना के रेडी कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा गाढ़ा बैटर ही बनाएंगे। अब पत्यूर बनाना स्टार्ट करूंगी। बर्तन ले लेंगे एक चौड़ा सा, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको इस तरह से फैलाऊंगी, इस तरह से पूरा फैलाऊंगी, और इसमें एक डीप लगाऊंगी इस तरह से। तो ये एक पत्ती में लगा लिया है मैंने बैटर, अब इसके ऊपर इस तरह से दूसरा पत्ता ऐड कर लेंगे, और इसको भी ऐसे करते करते तीन चार पत्ते लगा लेंगे इस तरह से, यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसमें भी बैटर को लगा लेंगे दोनों तरफ, इसी तरह दूसरे तरफ से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ये इस तरह से, और दोनों तरफ लगा लेंगे बैटर थोड़ा थोड़ा, यूं करके रोलिंग दे देंगे, रोल बनाते रहेंगे इस तरह से। और आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं स्टीमर में, और मैं इसको आलू के साथ ही पका लूँगी। पत्यूरा रेडी हो गया है, एक ही इस तरह से बना लिया। अब इसी ऐसे प्रोसेस हम दोबारा करते रहेंगे, और इस तरह से सारे पत्यूर बना के इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये इतना बड़ा पत्यूर का पत्ता, इससे तो छुप ही जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने पत्यूर बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसको आती है पकाने की बारी। तो इसको कैसे पकाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, स्टीम करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टीम नहीं कर रही हूँ, मैं इसको आलू के साथ फ्राई करूंगी। तो पहले आलू रख लेंगे इसमें इस तरह से, एक एक करके इस तरह से, देखिए इस तरीके से पतूरे को ऐड हैं तीन तीन लेयर, और जो लास्ट का पतूरा था वो मैंने चार पत्ते एक साथ लपेट के बना लिए थे। तो चार सीटी लगाएंगे इसमें, ताकि आलू भी पक जाए और पतूरे तवे से भी जल्दी पकी जाएंगे, तो चार सीटी लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, पतूर बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, अब इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स ये उबल के रेडी हो चुके हैं, चार सीटी में पक गया है ये, अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको कट करके, बारीक पीस में कट करके, तब इसको फ्राई कर लेंगे। पत्यूर को कट करके छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और साथ में आलू भी कट कर लिया है मैंने, अब ये देख सकते हैं। इसको पहले तो अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दें, तो ठंडा होने के बाद ये और अच्छा होता है। पहाड़ में तो कई बार तो ऐसे भी करते हैं लोग, आज शाम को बनाते हैं तो कल सुबह भून के खाते हैं, उससे और टेस्टी लगता है ये। और मैं दूसरा आपको कैसे कट करते हैं इसको दिखाती हूँ, जैसे ऐसे करके इसको कट कर लिया, तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं इसके ये लेयर हैं, जो ये लेयर दिखते हैं, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये लेयर दिख रहे हैं इसके। तो आप इसको ऐसे ही इसको
ऑयल में फ्राई करके भी, जैसे इसको जैसे ऐसे कट कर लिया उसके बाद तुरंत ऑयल में डाल लिया इसको, तो ऐसे फ्राई करके पकौड़े भी बन सकते हैं इसके, तो चाय के साथ और नाश्ता में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। तो मैं इसको आज डिनर में बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने रख लिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब इसमें तड़का किस किस का लगाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ तेल गर्म होने तक। यह है जीरा, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग दानी है, ये आधा चम्मच राई की दानी, और यह है धुंगार, एक चम्मच धुंगार, और दो सूखी मिर्च लाल मिर्च और 8-10 लहसुन की कलियाँ, इनको पहले ऑयल में ऐड कर लेंगे। लहसुन और मिर्च की कटिंग कर लिया है मैंने, तो अब मैं मसाला दिखाती हूँ मसाला में क्या क्या ऐड करेंगे। यह है हरा मिर्च का पेस्ट है, ये हरी मिर्च और नमक है इसमें। इसमें ऐड करेंगे हल्दी और जीरा धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये है घर का शुद्ध पियर हल्दी है, तो इसको थोड़ा कमी ऐड करेंगे, आधा चम्मच से कम इतना। ये चम्मच से दो चम्मच धनिया जीरा धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे इसमें, दो चम्मच। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें ये सारे चीज़ों को ऐड कर लेंगे और भून लेंगे। लहसुन थोड़े हल्के ब्राउन हो जाएंगे और मिर्च भून जाती है, रेड मिर्च लाल वाली मिर्च, मसाले और नमक भी ऐड कर लिया है मैंने इसमें। नमक कम लगेगा तो स्वाद अनुसार नमक और ऐड कर लेंगे, मसाले ऐड कर लेंगे। ये आँच को धीमा रखेंगे, उसके बाद ये पतीले और आलू को ऐड कर लेंगे इस तरह से, फिर इसको चलाएंगे, गरम गरम सर्व कर लेंगे। और देखिए बनके रेडी हो चुका है पतीले, तो गर्मा गर्म इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। फ्रेंड्स, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसा टेस्ट हुआ है। परफेक्ट है, नमक मिर्च, हमको हरी मिर्च खाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं है मुझे, मैं तीखा कम खाती हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम ही परफेक्ट है। इसमें भी पतूरे में सही, आपको कहीं से भी पतूर के पत्ते मिल जाते हैं, सॉरी पापड़ के पत्ते या अरबी के पत्ते मिल जाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। बन के रेडी हो चुका है पतूर, आलू और पतूर, अरबी के पत्तियों का पतूर, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नई रेसिपी है, आप लोगों ने बहुत देखे होंगे लेकिन बनाया नहीं होगा, तो जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरह से बना के खिलाइए, आप भी खाइए और इन्जॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी यही थी, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक कॉमेंट तो ज़रूर बनता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए ओके बाय।